हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज बिरयानी। उसके लिए लिया मैंने 1 कप चावल, मतलब 250 ग्राम चावल, और इसको मैंने धो के 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रख दिया, जिससे ये सॉफ्ट हो जाए और जल्दी पकेंगे। क्योंकि कुकर में नहीं बनाएंगे तो इसलिए भिगोना पड़ेगा। इसको मैंने धो के अच्छे से पानी से भिगो के रख दिया। अब इसमें डालने के लिए मैंने सामान लिया है गोभी, मटर, और कोई सब्जी हो तो लिए जा सकते हैं, पर मैं बस यही तेज पत्ता, इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जीरा, टमाटर, प्याज, किशमिश और काजू। अब चावल मैंने पकने के लिए रख दिए थे, तो चावल मेरे पक गए हैं। एक दो बार मैंने देखा है उनको, सिम आँच पे रखा है। प्याज काट कर उसको पीस लेंगे। पैन में जीरा, मतलब तेल नहीं डालना, ताकि सब कुछ डाल के बस खाली भूनना है। इसकी मैं चटनी बनाऊंगी जो बिरयानी में लगती है। ये मेरा भून गया है। आप सब तक मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। पैन में तेल डाला, सूखे मसाले सूखे पैन में ही भूनने हैं। अब इसमें मैंने जो सूखे मसाले भूने थे वो डाल के फ्राई करें। इसमें जो मैंने प्याज पीसी थी वो प्याज मैंने डाल ली है और उसको अच्छी तरह भून लिया। मैंने जो गोभी मटर थी वो उबालने लगी थी, वो उबल गई है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, इसे अच्छे से भून रही हूँ। इसमें हम मसाले डालेंगे, मिर्च, नमक, हल्दी स्वाद अनुसार डालकर इसको अच्छे से हिला देंगे। जब ये हो जाएगा तो टमाटर भी मैंने पीसे थे वो भी इसमें अच्छे से डाल के सॉटे कर देंगे। इसमें थोड़ा सा मैंने गरम डाला है। अब ये उबल गए हैं, इनको उतार लेंगे, मतलब पानी जो है सब उसमें देंगे तो उतार लेंगे, बाकी जो पानी हो निचोड़। अब ये जो मसाला है खूब अच्छे से बन गया। गोभी मटर भी उबल गई है, मर्जी हो तो चावल के साथ भी उबाली जा सकती है। अभी मेरी चटनी बन के तैयार है। 2-3 चम्मच दही लिया है, दही में मिक्स करेंगे सारी जो चटनी हमने बनाई है। पैन में हम ऑयल डालेंगे, ऑयल में हम वो जो मसाला हमने मतलब चटनी पीसी है उसको डालेंगे, काजू, किशमिश, काजू और हमारी जो हमने सब्जी उबाली थी वो सब इसमें मिक्स कर देंगे। फिर उसके ऊपर उसको निकाल लेना है। अब हमने चावल की तह बिछानी है, उसके ऊपर जो हमने मटर, काजू और गोभी का बनाया था वो उसको डाल के फैलाना है। फिर उसके ऊपर एक लेयर चावल की बिछा देंगे इस तरह करके। उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया डाल के उसको ढक के रख देना है, जिससे उसकी खुशबू उसमें बनी रहे। और 10 मिनट के बाद इसे खाने के लिए परोस सकते हैं। अब ये हमारे तैयार है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट एंड बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके।